प्रभु को गर्व होता है। अरे ये मेरे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? तो इन्हें भकाएगा, तो इन्हें सताएगा, तो इनके विश्वास को तोड़ेगा, तो इनकी धार्मिकता को नष्ट करेगा, करके देख ले जा। मुझे अपने लोगों पे गर्व है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7 खंड हैं, जिसमें से दूसरे खंड के विषय में हम बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने स्मरणा की कलीसिया के विषय में सीखा था, स्मरणा के दूत के समक्ष मसीह का विवरण या परिचय, स्मरणा के दूत का काम जो प्रभु यीशु मसीह है वो जानता है, और आज हम स्मरणा की कलीसिया के विषय में तीसरा भाग जो है उसके विषय में सीखेंगे। आप स्मरणा की कलीसिया के विषय में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं। यहां पर जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट के विषय में हम बातचीत करेंगे, मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना, यानी स्मरणा की कलीसिया के दूत की प्रशंसा करना और उस समय के लोगों की प्रशंसा करना। आपको ध्यान होगा पिछले संदेश में हमने एक पॉइंट पर बातचीत करी थी कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। जी हाँ, और उस विषय में हमने बहुत सी बातों के विषय में सीखा था जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 8वां जो पद था उसके विषय में हमने सीखा था कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है बताता है, उसकी प्रशंसा करता है, तू गरीब तो है परंतु तू धनी है, मैं तेरे कलेश को जानता हूं, तेरे काम को जानता हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर उसकी प्रशंसा जो है वो करता है। यानी वहां पर हमने बात करी थी कि प्रभु यीशु मसीह दूत के काम को जानता है या उस समय के लोगों के काम को जानता है, ये पॉइंट लिया था। परंतु जब हम प्रशंसा वाले पॉइंट की बात करते हैं कि यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करता है, तो वो सब उसी प्रशंसा में आ जाता है। जी हाँ, उसी प्रशंसा में कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, सारी बातों को जानता हूँ। और मसीह द्वारा दूत के काम की जो यहाँ पर जो 8वां जो पॉइंट है कि मसीह द्वारा दूत के काम की निंदा करना। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्मरणा की कलीसिया का जो दूत है और जो उस समय के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी निंदा नहीं करी, यानी उसका उसको झिड़का नहीं, उसको डांटा नहीं, उसको जो है बातें किसी भी प्रकार की नहीं सुनाई कि तू काम अच्छा नहीं करता, तू ऐसा नहीं, बल्कि उसकी प्रशंसा करी है। तो यहां पर जो है जो 8वां पॉइंट है, मसीह द्वारा दूत के काम की निंदा करना, उसने कोई निंदा नहीं करी तो निंदा की बात ही यहां खत्म हो जाती है, क्योंकि मसीह द्वारा दूत की कोई निंदा नहीं की गई। जब हम बात करते हैं 9वें पॉइंट के विषय में, मसीह द्वारा स्मरणा के दूत को सम्मति देना। यीशु मसीह द्वारा जो है स्मरणा के दूत को जो है सम्मति, सम्मति का मतलब है काउंसलिंग करना उसकी। जी हाँ, मसीह जो है काउंसलिंग जो है वो करता है स्मरणा के दूत की। अब काउंसलिंग क्या करता है, आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10वां पद जो है यहां पर हम पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब यहां पर देखिए क्या चीज, कितनी चीजें हैं। पहली, जो दुख तुझे झेलने हैं, इसका मतलब क्या है, प्रभु जो है वो जानता है आगे इन्हें और भी दुख झेलने होंगे। चलिए हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे। दूसरा है उनसे मत डर। तीसरा है शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डलवाने पर है ताकि तुम परखे जाओ। चौथा पॉइंट, तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। छठा है प्राण देने तक विश्वासी रहे। सातवां है जीवन का मुकुट। यहां पर पहला जो पॉइंट है, जो दुख तुझको झेलने होंगे, यहां पर ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जानता है कि इसको अभी और दुख जो है उठाने होंगे मेरे लिए, है मेरे लिए इसको और दुख जो है उठाने होंगे, सहन करना पड़ेगा। और जब वो स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये बात कहता है तो वो जो है बिल्कुल खामोश है, यानी उस दुख को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है स्मरणा की कलीसिया के लोग जो हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो बता रहा है
और इसलिए स्मरणा की कलीसिया के जो लोग हैं उनके पास एक अपार क्षमता है उन दुख को और उन कलेशों को सहन करने की, उस पीड़ा को सहन करने की। और जो है क्यों? क्योंकि एक दृढ़ विश्वास के साथ बंधे हुए लोग हैं कि उन्हें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। यानी वो एक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में वो बंधे हुए हैं। देखिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 35 पद में क्या लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। तलवार का मतलब मौत। यानी ये देखिए, ये इतनी चीजें जो थी, ये सारी चीजें स्मरणा की कलीसिया के लोगों के बीच में दिखाई दे रही थी, उनके साथ हो रही थी। क्या क्या हो रहा था? कि कलेश उनके साथ हो रहा था, वो बहुत बड़े संकट में पड़े हुए थे और उनके ऊपर बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा था। अकाल जैसी स्थिति, अकाल का मतलब क्या है? अकाल तो वैसे भी उनको खाने का अकाल पड़ा हुआ था, क्योंकि उनके अर्निंग के साधन नहीं थे, कमाई हो नहीं रही थी, लोग उनको सता रहे थे, जैसा हम पिछले संदेश में बता चुके हैं। नंगाई उनके साथ, बड़ा नंगापन हो रहा था, उनको जोखिमों में डाल दिया जाता था, यानी उनको तलवार का मतलब मार डाला जाता था, मृत्यु दंड उनको दे दिया जाता। ये सब कुछ स्मरणा की कलीसिया जो थी सहन कर रही थी, झेल रही थी। और स्मरणा की कलीसिया में एक दृढ़ता ये थी कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है, करके दिखाए, कोई कलेश करके दिखाए, या कोई संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या मृत्यु, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और ये बाखूबी स्मरणा की कलीसिया में दिखाई दे रहा था। दूसरा पॉइंट है, उनसे मत डर जो दुख तुझको झेलने होंगे। देखिए कह रहा है कि उनसे मत डर। स्मरणा की कलीसिया के लोगों के पास प्रभु का एक महत्वपूर्ण संदेश है। क्या है? कि उनसे मत डर जो तुझे दुख देने आएंगे, जो तुझे कलेश तेरे ऊपर करने आएंगे, उपद्रव करने आएंगे, तेरे साथ नंगाई करने आएंगे, नंगी बातें करने आएंगे, तुझे मारने आएंगे, तुझे जेल खाने में डालने आएंगे, उनसे मत डर। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहा है? यहां पर देखिए एक बात छुपी हुई है और बड़ी गहरी बात छुपी हुई है। उनसे मत डर कहने का मतलब क्या? क्यों डर रहा है? अगर मैं आपसे कहूं आपको कोई सता रहा है, अरे मत डरो। क्यों? इसका मतलब क्या? कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी प्रभु यही संदेश देना चाहता है, तुम्हें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारी हर चीज में जो हूं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। यहां पर जो है प्रभु जो है उनके साथ खड़ा है और ये बताता भी है। जब यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 और 13 पद पढ़ेंगे तो यहां वहां पर क्या है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। 13वां पद है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। सेम चीज यही जो यशायाह नबी ने लिखी है, स्मरणा की कलीसिया के अंदर ये चीज दिखाई दे रही है कि प्रभु उनसे क्या कह रहा है, उनका हाथ थामे हुए है और उनसे कह रहा है तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं और तुझे इधर उधर देखने की ताकने की आवश्यकता नहीं है कि कौन मुझे बचाने आएगा, कौन मुझे इस कलेश से निकालेगा, कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा। कि छुटकारा देने के लिए, इन कलेशों से निकालने के लिए मैं तेरे संग खड़ा हुआ हूं। ये स्मरणा की कलीसिया के अंदर बिल्कुल स्पष्ट जो था दिखाई दे रहा था। और वो कहता है क्यों? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं जिस पर तू विश्वास करता है, जिसको तू मानता है। और वो क्या कह रहा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे जो है दृढ़ करूंगा कि तू इन कलेशों को, इन दुख को, इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को सहले। और ये चीज स्मरणा की कलीसिया के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही जो यशायाह नबी जो है भविष्यवाणी कर रहा है। और उसकी ये भविष्यवाणी स्मरणा की कलीसिया में, स्मरणा की कलीसिया के लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। और यही भविष्यवाणी यशायाह की हमारे और आपके जीवन में भी दिखाई देनी चाहिए। तब प्रभु जो है वो कहता है हाँ ये मेरे लोग हैं। और वो क्या कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दहने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता।
हमारा हाथ पकड़ के, आप अपना हाथ बढ़ाइए, दाहिना हाथ बढ़ाइए। प्रभु आपने वायदा किया है, प्रभु आपने अपने वचन में ये वायदा करा है, आपने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी कराई है, ये वायदा करा है, मैं अपना दाहिना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूँ, आप मेरा दाहिना हाथ पकड़िए और मुझे इन कलेशों से और मुझे इन मुसीबतों से, इन उपद्रवों से छुटकारा दीजिए और मेरी सहायता कीजिए। फिर देखिए इस मुल्ना की कलीसिया के समान कैसे आपको सहायता प्राप्त होती है, किस तरीके से आपके अंदर प्रभु दृढ़ता पैदा करता है, कैसे परमेश्वर जो है आपके स्थिर करता है, आपके पांव को मजबूत करता है, आपके विश्वास को दृढ़ करता है और दिखाई देगा आपको कि प्रभु आपका दाहिना हाथ पकड़े खड़ा हुआ है। आपको लगेगा, आपको एहसास होगा कि आपके समक्ष जो है आपका हाथ पकड़े कोई खड़ा हुआ है। और ये स्मरणा की कलीसिया को के साथ था, उसने लगा था कि प्रभु उनके साथ खड़ा है और इसलिए वो और दृढ़ बन गए और विश्वासी बन गए और उनको जितने भी दुख झेलना था वो उस झेलने के लिए तैयार हो गए। तीसरा पॉइंट है, शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डलवाने पर है। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, स्मरणा की कलीसिया के समय में जो था 44 रोमन सम्राट हुए हैं, जैसा मैं पिछले संदेश में भी बता चुका, उन्होंने बड़ा कलेश करा और स्मरणा की कलीसिया के समय के लोगों को उन्होंने क्या करा, जेल खाने में डलवा दिया, उन्हें मरवा डाला, उन्हें जाने क्या क्या करा, बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां उनके ऊपर आई और बहुत जो कलेश था, बेमतलब में झूठे आरोप लगाकर उनको क्या है, जेल खाने में डलवा दिया। और आज भी यही स्थिति होती है, झूठे आरोप लगाकर, झूठी बातों को गढ़कर जो है लोग आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए, मसीह के ऊपर अविश्वास पैदा करने के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि आप जो है मसीह के ऊपर विश्वास ना करें और आप उन कलेश और उन मुसीबतों से दुखी हो जाए। मगर ऐसा करना नहीं है, जितना भी कलेश, कितने भी दुख आए, ये समझ लीजिए कि मसीह आपके साथ खड़ा है। किसी और के साथ क्यों नहीं आ रहा है, किसी और के साथ मुसीबत क्यों नहीं हो रही, किसी और के ऊपर दुख क्यों नहीं आ रहे, आप ही के ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मसीह आपके साथ खड़ा है और वो दाहिना हाथ पकड़ के खड़ा है, इसलिए जो है वो नहीं आ रहा है। फिर क्या लिखा है, ताकि तुम परखे जाओ। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां देखिए अय्यूब की जो परख हुई वो किसके द्वारा हुई, शैतान के द्वारा हुई। शैतान ने क्या कहा कि भाई आपने तो उसको इतना अमीर बना रखा है, वो तो इतना धनवान है, उसका तो इतना नाम है, उसके पास तो इतनी फैसिलिटी है, नौकर चाकर खेत बाड़ ये सारी चीजें उसके पास है। और दूसरी चीज जो है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने उसके चारों तरफ तो बाड़ा बांध रखा है, मैं तो उस बाड़े को फांद ही नहीं सकता। अब देखिए बड़ी अजीब बात है, सही बात है, अगर परमेश्वर ने आपके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है तो शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो उस बाड़े को फांद कर आपके पास तक या आपके परिवार के किसी भी सदस्य तक पहुंच सके। और अय्यूब के जीवन में यही चीजें थी, मगर जब वो परमेश्वर के पास गया, उसने कहा सब कुछ कर रखा, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं अय्यूब को तेरे हाथ में करता हूं, कर भैया क्या करना है उसके साथ, मगर वो मेरा विश्वास ही बना रहेगा। तो अय्यूब की जो परीक्षा थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो जो परीक्षा थी वो किसकी ओर से थी, वो शैतान की ओर से थी। और यहां क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं कि ताकि तुम परखे जाओ, यानी यहां पर क्या है, परमेश्वर कह रहे हैं ये कलेश, ये उपद्रव, ये जो तुम्हारे ऊपर होंगे, इनके द्वारा तुम्हारी परख होगी। देखिए जब सोने को तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है उतना वो खरापन के निकलता है। यहां पर स्मरणा की कलीसिया के लोगों को तपाया जा रहा है ताकि वो और खरे हो सके प्रभु में, और खरे निकले। मगर यहां जो परीक्षा हो रही है वहां यहां पर प्रभु की ओर से हो रही है। वैसे अगर आप लूका की इंजील को जब आप पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि सूप के नाई फटके। सूप के नाई फटकने का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा सूप होता था पहले, बहुत पुराने समय में सूप होता था, उसमें गेहूं जो था गांव की औरतें गेहूं को फटक कर यानी साफ करती थी। तो यहां पर क्या है, वो कहता है कि तुम फटके जाओ, शैतान के जो है वो तुम्हें फटकेगा, तुम्हें परीक्षा लेगा, तुम्हें उछालेगा, तुम्हारे ऊपर उपद्रव करेगा, परेशानी करेगा और तुम्हें तुम्हारे विश्वास को खंडित करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी धार्मिकता को मिटाने की कोशिश करेगा। कह रहा शैतान ने मांग लिया है और मैंने दे भी दिया है। अब देखिए आप, हम कहते हैं हम प्रभु के हैं, जब हम प्रभु के हैं तो अब प्रभु के पास कोई चीज है ये भैया आपकी चीज बड़ी अच्छी है मुझे दे दो ना, है शैतान भी कहता है आपके पास ये चीज है मुझे देकर देखो, देखो मैं क्या करता हूं इसका हाल। प्रभु कहता है ले, अय्यूब को दे दिया, चेलों को दे दिया, हमें भी मांगता है
ताकि वो सूप के समान फटके। और यहां स्मरणा की कलीसिया को भी क्या कहते हैं, प्रभु ने सौंप रखा है कि तू कितना भी फटक ले, कितना भी उपद्रव कर ले, कितना भी कलेश कर ले, परंतु ये मेरे लोग, प्रभु को गर्व होता है, अरे ये मेरे लोग हैं, कहां जाएंगे, तू इन्हें भकाएगा, तू इन्हें सताएगा, तू इनके विश्वास को तोड़ेगा, तू इनकी धार्मिकता को नष्ट करेगा, करके देख ले जा, मुझे अपने लोगों पे गर्व है। प्रभु यीशु मसीह का भी सीना चौड़ा होता है, युग के कारण यीशु मसीह का सीना जो था वो चौड़ा हुआ, चेलों के कारण यीशु मसीह का, पौलुस के कारण यीशु मसीह का सीना चौड़ा हुआ, आ रहे ये मेरे लोग है, देख हरा दिया शैतान को, मृत्यु को हरा दिया उन्होंने, हमें भी यही करना है। और स्मरणा की कलीसिया के लोगों ने भी यही करा है। फिर कहता है तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। यहां पर 10 दिन का मतलब जो है 10 दिन नहीं है, 10 वर्ष है। जब आप जो है एजेकेल 4:6 पढ़ेंगे, यानी तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन, यानी 1 वर्ष जो है 1 दिन जो है 1 वर्ष के बराबर है। और आप गिनती 14:34 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि 1 दिन जो है 1 वर्ष के बराबर जो है वो दिया गया है। तो और जब आप परमेश्वर के वचन को इस तरीके से पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया हुआ है कि 1 दिन 1 वर्ष के बराबर है। तो यहां 10 दिन का मतलब है यानी 10 वर्ष तक तुझे कलेश उठाने पड़ेंगे। और ये 10 वर्ष का मतलब क्या है, 303 AD से लेकर 313 AD तक, अर्थात पूरे 10 वर्षों तक जो थी 10 बड़ी घटनाएं स्मरणा की कलीसिया के बीच में हुई है, जब प्रभु ने उसके दूत को संदेश दिया। 303 से लेकर 313 AD तक जो है 10 बड़ी घटनाएं उनके बीच में हुई है, और बहुत भयंकर कलेश हुआ है, बहुत ज्यादा कलेश हुआ है। वो 10 घटनाओं के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, मगर बड़ी भयंकर घटनाएं हैं, कौन कौन सी हुई हैं, और वो आपने देख ही लिया क्या कौन कौन से कलेश हैं, कैसे हैं, वो भयंकर किस्म की वो यातनाएं थी जो स्मरणा की कलीसिया, मगर वो अंत तक जो थे वो विश्वासी बने रहे। उन्होंने अपने विश्वास को जो है वो गिरने नहीं दिया, उन्होंने जो दृढ़ विश्वास प्रभु पे बनाए रखा था वो प्रभु के लोग थे और प्रभु को ही समर्पित रहे हैं। फिर है यहाँ प्राण देने तक विश्वासी, यहाँ जैसे मैंने कहा ना कि वो प्राण देने तक क्या थे, वो विश्वासी बने रहे। उन्होंने अपनी जान दे दी, वो मर गए, भूखे मर गए, उनको मार डाला गया, उनको कुचल डाला गया, उनको बहुत उनके साथ बुरी व्यवहार किया गया, मगर उन्होंने प्रभु के ही अंत तक बने रहे, वो प्राण देने तक प्रभु के बने रहे। नहीं, हम उसे नहीं छोड़ सकते, मार दो बच्चों को, मार दो मेरी पत्नी को, मार दो मेरे पिता को, मार दो मेरे बाप को, मार दो कोई बात नहीं, हम प्रभु के यहाँ एक साथ फिर मिल जाएंगे, हम प्रभु के यहाँ मिलेंगे। है? जब उनके सामने बच्चों को मारा जाता था, बेटा घबराना नहीं, घबराओ नहीं, अब इसके बाद जो है वहां मिलेंगे प्रभु के यहां स्वर्ग में, और प्रभु के साथ होंगे, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। अगर बाप को मारा जाता था, बच्चे कह रहे हैं, बाप कह रहा है बेटा घबराना नहीं, इसके बाद तुम्हारी बारी है, वहां मिलेंगे स्वर्ग में प्रभु के साथ, बिल्कुल चिंता मत करना, दृढ़ बने रहना, ये क्या है, मरना तो है ही एक दिन। सोचिए ऐसे सोच, ऐसे विचार अगर आज के लोगों के बीच में हो तो दुनिया का नजारा ही कुछ होगा, प्रभु की बात ही कुछ और होगी, वो आत्मिक जीवन ही कुछ होगा जो प्रभु कहता है। फिर कहता है जीवन का मुकुट जो है, जीवन का मुकुट देने का मतलब क्या है कि ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। वो कह रहा है कि मैं जीवन का मुकुट दूंगा, ऐसा जीवन जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं आप जानते हैं ये जीवन की जो बात है ये आज की नहीं है, प्रभु ने शुरू से अपने लोगों के हाथ में, आदन की वाटिका में आप चले जाइए, आदन की वाटिका जब आप उत्पत्ति 3:9 पढ़ेंगे तो आदन की वाटिका के बीच में उसने 2 वृक्ष रखे थे, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो था, मगर इंसान ने क्या चुना, जीवन के वृक्ष को नहीं चुना, उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना। फिर आप जब इसराइलियों के बीच में आ जाते हैं तो परमेश्वर और रखता है, व्यवस्था विवरण 30:19 पढ़ेंगे, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा घर तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अब यहां पर क्या है, यहां देखिए बड़ी समझने वाली बात है, यहां पर प्रभु क्या है, आदन की वाटिका में भी उसने जीवन और मृत्यु रखा हुआ था,
इंसान ने मृत्यु को चुना और यहां पर भी वो कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु रखा हुआ है, आशीष और शाप रखा हुआ है, और आज इंसान किसको चुन रहा है? इसराइलियों ने भी किसको चुना? जीवन को नहीं चुना, मृत्यु को चुना। और इसलिए 40 वर्ष तक वो बियाबान जंगल में रहे और जितने भी इसराइली जो 20 वर्ष से ऊपर के थे सबके सब मर खप गए। सिर्फ दो लोग बचे थे, उसमें से यहोशुआ और कालेब जो थे वो दो लोग बचे थे, बाकी सब मर गए थे। और यहां पर आज भी परमेश्वर ने हमारे आगे क्या रखा है? जीवन और मृत्यु रखा है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखिए शुरू से रहिए कि तू जीवन को ही ले ले, क्योंकि जीवन के वृक्ष के पेड़ में से खाने के लिए मना नहीं करा था परमेश्वर ने। ध्यान करें, वो खा सकता था परंतु उसने वो नहीं खाया। और इसराइलियों के समक्ष रखा तो वहां पर भी उसने यही बात कही कि मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखा, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर तुम जीवन को ही चुनो। और आज हमारे पास जो है संसारिकता यानी मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह यानी जीवन, दोनों हमारे सामने रखा। हम किसको चुनते हैं? हम ज्यादातर जो है मृत्यु को चुनते हैं, संसारिक लोगों को, संसारिक चीजों को, संसारिक बातों को चुनते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम उस जीवन को जो हमारे बीच में रखा गया और आज भी है, हम उसको नहीं चुनते। ये शुरू से चला आ रहा है कि लोगों ने कभी जीवन को चुना ही नहीं, और जबकि परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जीवन को चुने। और यही कारण है कि हमारे पास जीवन का मुकुट नहीं, हमें नहीं प्राप्त होगा। मगर स्मुर्ना की कलीसिया के लोगों ने क्या करा, जब उनके आगे दो चीज रखी गई तो उन्होंने मृत्यु को चुना और क्या कहते हैं, संसारिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, संसारिक चीजों को प्राप्त कर लिया उन्होंने, उस संसारिक मृत्यु को तो प्राप्त कर लिया परंतु उन्होंने जीवन को चुना। हमारे शरीर को नाश कर दो, मार दो हमें, परंतु हम जीवन को ही चुनेंगे और जीवन को ही प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं रहेंगे। और जीवन कौन था? यीशु मसीह। उन्होंने यीशु मसीह को ही चुना और अपने साथ उसके साथ अपने आप को बनाए रखा। फिर यहाँ क्या कहता है लास्ट में, एक पॉइंट है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। हमारा जीवन जो है, जैसे मैंने बताया योना 11:25 पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। जी हाँ, स्मुर्ना की कलीसिया ने जो है वो विश्वास बनाए रखा, क्योंकि जीवन कौन था? स्मुर्ना की कलीसिया अच्छे से जानती थी कि जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो स्मुर्ना की कलीसिया के लोग जानते थे ये शरीर तो नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल होना है, कुछ सालों के बाद होना है। और आज हमें ये मानना है कि हमारा शरीर तो नष्ट होना है, परंतु इस शरीर को नष्ट होने दें। शैतान करता है कलेश में, किसी भी चीज में नष्ट होने दें, परंतु जीवन को ना छोड़ें और जीवन को प्राप्त करें। और वो जीवन है यीशु मसीह, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप जीवन को ही चुनें और उस परमेश्वर की उस इच्छा को हम पूरा करें कि जीवन को अर्थात यीशु मसीह को ही अपने लिए चुनें और उस जीवन के मुकुट को सदा के लिए अपने ऊपर बनाए रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन।